नहीं आप जैसे साहसी व्यक्ति अगर पधारे हैं तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग का प्यार है कि मतलब इस तरह से बड़ा अच्छा लगता है। हम कम सोचे नहीं थे कि मतलब ये सब मिलेगा। देखिए संत कबीर क्या गोरखपुर में आया था और गोरखपुर में आके जैसे लग रहा है ना कि मैं अपने आप को जो मेरे अंदर साहस थी उसको मैं खत्म कर चुका हूँ ऐसा लग रहा है। हालांकि ऐसा नहीं था। जिस तरह से आप लोग सम्मान दे रहे हैं कहीं ना कुछ कुछ देखते हैं तभी देते हैं। देखिए सदियों से गुड़ का पूजा हुआ है, रूप का पूजा नहीं हुआ है। रूप एक नश्वर चीज है, आज नहीं तो कल ढल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें है, हालांकि मैं उस तरह से उसको प्रेजेंट भी नहीं करना चाहता, लेकिन लोगों के दिल में है कि मैं जैसा हूँ वैसा ये भी होगा। हमारे दिल में कभी से ये जिज्ञासा थी, जब हमारी आपकी मुलाकात पहली बार हुई थी गोरखपुर में, तो दिल में जिज्ञासा थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है समय की कमी थी कि हमारे धरती पे आजीर नगर की धरती पे आपको जो है जरूर बुलाएं। बिल्कुल, हम थोड़ा सा क्या बताएं, दूसरी चीज आप भी जानते हैं नंबर नहीं था, आप लोग दोनों लोग का नंबर, दोनों मोबाइल मेरा गुम हो जाने की वजह से आप लोग का नंबर ही खत्म हो गया। मैं तो मैं निश्चित आप लोग को कॉल, हमको दुख हुआ है कि आप यहाँ पधारे हमें नहीं बताया, लेकिन मोबाइल गायब हुआ तो हमें तुरंत स्मरण हो गया कि हम नंबर नहीं था। नंबर होता तो क्या लगता कि मैं कॉल नहीं करता आप लोग को, आप ही लोग है ना कि वहाँ पे गए आप लोग से। लेकिन मैं कभी किसी के प्रति इस तरह नहीं सोचता हूँ, लेकिन क्या बताए कुछ है और मैं आज कसम खाता हूँ एकदम आप लोग की वीडियो के माध्यम से कि अब इन लोगों से बहुत दूर रहना है। मैं समाज को कैसे साफ किया जाएगा, नहीं इन लोगों से दूर। देखिए आप कचरे में जाएंगे तो आप भी कचरे हो जाएंगे, बिल्कुल वो तो आनी है। ठीक है किसी ने कहा है कि कचरे से ही गुलाब का फूल, लेकिन सलाह जिस दिन वो डाल में से टूट के कचरा में गिर जाएगा ना तो गुलाब का फूल फूल नहीं रहेगा। तो अब ये लग रहा है कि सलाह उसमें जाने के बाद ना मैं भी खत्म हो जाऊंगा, जहाँ से लोग मुझे गुलाब का फूल लगाते थे आज ये जो मिल रहा है उसका देना है। ठीक है ना, जितेंद्र नाम से नहीं, जितेंद्र के गुणों से जाना जाता है कि जितेंद्र ने किया क्या है। भारत का इकलौता मैं पत्रकार बना आप लोग के द्वारा, अब अच्छा अच्छा लोग सम्मान दिया, आप लोग भी सम्मान देते हैं, तो जो सम्मान जिस तरह से जो सम्मान संस्कार में दिया है ना वही चीजों को समझ पाएगा, सभी लोग नहीं समझ पाएंगे। अरे जो पहले से गंदा है कहाँ समझेगा। हमें जब पता चला कि आप आए हुए हैं तो हमें बस यही दिल में हो रहा था कि भैया से कम मुलाकात हो जाए। देखिए कल हम लाइव में ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है इसके अभी जो है अलग से बात भाग जाएगा, भाग गया दुर्भाग्य है, इसके अलग से बातचीत किया जाएगा। तो कल लाइव आए थे अलका जी के लाइव में, हमने बोला है मिस्टर विष्णु राज जी से कि अगर जितेंद्र जी आपसे मुलाकात करने गए हो तो उनको रोकिएगा, हम उनसे मुलाकात करेंगे। बदकिस्मती की ये है कि हमारी बाइक थोड़ी डिस्टर्ब हो गई, इसलिए आप मंदाई ना रखना पड़ा, इसलिए क्षमा मांगे। ऐसा कुछ कर आप लोग सम्मान जो दे रहे हैं, देखिए पैसा धन दौलत एक मायने नहीं रखता है, ये जो आज दिख रहा है ये मायने रखता है। ठीक है ना, तो इसको भी देखना है, बहुत वो चीज नहीं है। और जो ये अभियान अभी जारी हुआ है समाज को साफ सुथरा बनाने का, तो कौन सी समाज की आप बात कर रहे हैं, कौन से ये लोग की बात कर रहे हैं, गोरखपुरिया भाऊ जी की बात कर रहे हैं, इन लोग की ना तो सुन लीजिए, ये समाज को ये समाज लायक है ये नहीं है, नहीं है। इसको क्या साफ करना है, हमारा मुद्दा क्या होता है, क्या कहता जी गलत कह रहा है, ये समाज को खुदा समाज के लायक ना है, बिल्कुल इसको साफ करने की क्या साफ करना है। तो हम लोग स्वास्थ्य पे बात करेंगे, शिक्षा पे बात करेंगे, ये हमारा समाज साफ करेगा। ठीक है ना, और इन कचरों के चक्कर में आप लोग से मैं कहूंगा कि मत पड़िए, ये लोग तो चाहते हैं कि हमेशा वो करते हैं और हम और जाए, हम लोग हमारी टीआरपी बढ़े, हम लोग ज्यादा से ज्यादा। अभी तो अभी मैं विष्णु का किया था, अलग वीडियो भी डाल दिया है, हालांकि मैं कह रहा था वीडियो डालने की उसका भी मुझे कोई मलाल नहीं है। अब देखिए कह रहा है क्या कि जब इसका व्यू घटता है तो टीआरपी के लिए कुछ ना कुछ कर दे, जैसे अपने पति को बोल के गायब, कितना घिनौना आप, क्या यार क्या अपने पति को गायब की थी, जबकि पब्लिक में पूरी वही विष्णु रो रहा था जब उसका पति गायब हुआ, तो वही विष्णु रो रहा था ना, आज वही विष्णु उसका पोल खोल रहा है। सैकड़ों सैकड़ों लोग जो उनके फैन फॉलोअर हैं वो आज खुद बोल रहे हैं, खुद का बॉडी गार्ड पोल खोल रहा है, इतना आपकी जाने के बाद फोटो खींचो, तू प्राइम मिनिस्टर बनी है तुम्हारे साथ फोटो खींचा। एक बार मुझे दुख हुआ, भैया जी गए थे उनके घर पे, तो भैया जी कुछ इंटरव्यू लेना था भैया जी को, और भैया जी को डायरेक्ट वो जवाब देती है कि बस आप फोटो खिंचवा लीजिए, वीडियो नहीं बना रहे। वीडियो भी मैं, हालांकि वो वीडियो ऐसे ब्लॉगिंग को किया था उसे लेके मैं माध्यम से आप देख रहे होंगे कि जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र जी कई सालों से वायरल है, और वायरल चेहरे की वजह से नहीं, अपने काम की वजह से, अपने कार्य की वजह से, अपनी छवि को जो है बना के रखे हैं सारे समाज में। तो जितेंद्र जी जो स्टार्ट से लेकर के जमीन से उठ करके जो स्टार्ट तक पहुंचे हैं, खान सर का इंटरव्यू किए हैं, गोरखपुरिया भाऊ जी क्या इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हो चुकी है,
सारा मारा है मतलब अभी एक विस्तृत वीडियो आएगी आप लोगों के बीच में विस्तृत।